तो दोस्तों ये हमारी पैशन प्रो 2014 मॉडल का स्पीडोमीटर है ये। अब इसमें आपको बताया कि यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले आती है। डिजिटल डिस्प्ले का जो पोलराइजर था वो ख़राब हो गया था, तो मैं उसको रिपेयर करने बैठा हूँ अभी। तो ये रही वो डिस्प्ले जिसमें से हमने आगे से पोलराइजर निकाल दिया है, और इसके पीछे जो रिफ्लेक्टर था वो भी निकाल दिया है। ये रहा इसका पोलराइजर, ये है कुछ ऐसी हालत में, और इसका रिफ्लेक्टर। जब भी हम डिस्प्ले ऑन कर रहे थे तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा था, जो कि देखने में कुछ ऐसा लगता था। मैं वीडियो बनाना भूल गया हूँ खोलने की, ये ऐसा दिखता था कुछ। अब इसमें जितना भी ये बीच का हिस्सा है वो मुझे नहीं दिखता था, मतलब मेन जो पेट्रोल वगैरह की जो भी डिटेल्स हैं वो शो नहीं होती थी, जिस वजह से मुझे इसको खोल के हटाना पड़ा। अभी मैंने इसके लिए दूसरा पोलराइजर मंगवाया है जिसको कि हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। अब मैं इसको फटाफट से जाके पेट्रोल की हेल्प से क्लीन कर दूँगा, ताकि ये जो जैसा कि दिख रहा है ये एक्स्ट्रा ग्लू जो उसमें लगा हुआ है वो साफ़ हो जाए। तो इसको मैं अच्छे से क्लीन करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। जैसा कि भी आप देख सकते हैं जो मोबाइल का पोलराइजर है, हम इसको इस तरह से लगाने पर कंपनी की डिस्प्ले दिखाई देगी, और आड़ा इस तरह से आड़ा लगाने पर जो है नेगेटिव डिस्प्ले। इसमें हमने पीछे LEDs बदल दिए हैं, इस वजह से ये ब्लू कलर का मीटर है, बाकी ये नॉर्मली पैशन प्रो का स्पीडोमीटर है। जैसा कि देख सकते हैं डिस्प्ले का जो एनिमेशन है वो भी पूरा अच्छे से चल रहा है। इस क्लिप में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो नहीं आ रही है, और ऊपर की तरफ हल्की सी डिस्प्ले है दिखाई दे रही है, और नीचे की तरफ भी यहाँ पे बीच में एक सर्कल सा कुछ बना हुआ है, जिस वजह से डिस्प्ले पूरी चली गई है, जिसकी वजह है धूप से जो पोलराइजर है हमारा जल गया है, जिस वजह से ये जो डिस्प्ले है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है, इसलिए हमें इस मीटर को खोलना पड़ा है। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं ये जो पोलराइजर है वो जल चुका है इसका, इसको फेंक देंगे। और मेरे पास अभी जो दूसरा है पोलराइजर है यहाँ पर, अभी इंस्टॉल करके मैं आपको दिखाता हूँ। और नॉर्मली ये पोलराइजर आपको किसी भी मोबाइल की दुकान से मिल जाएगा, जो टूटी हुई पुरानी डिस्प्लेज होती हैं उनके अंदर भी पोलराइजर पाए जाते हैं। तो अगर आपको पोलराइजर की ज़रूरत है तो आप पुराने किसी भी मोबाइल वाले से जाके कोई भी शॉर्ट या टूटी हुई डिस्प्ले फ्री में ले सकते हैं, वैसे कोई पैसा नहीं होता इसका। मेरा एक फ्रेंड है जिससे मैंने मंगाया था सारा सामान, तो ये पुराने कई सारे डिस्प्लेज हैं, इसको काटना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसको कैसे काटा। पोलराइजर को कट करने के लिए सबसे पहले हमें डिस्प्ले को पोलराइजर के ऊपर रख के कट करना है, और उसके बाद में उसको अकॉर्डिंगली और भी साइडों से काट के छोटा कर लेना है। जैसे कि अभी मैंने इसको काटा और ये थोड़ा बड़ा है, मैं इसको धीरे धीरे करके और काट के और आपको दिखाता हूँ फाइनल कट। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ये है वो पोलराइजर जो कि मैंने पेपर कटर की हेल्प से कट किया है। हाँ, इसमें काफ़ी सारे क्रैक्स लग गए हैं क्योंकि ये कांच का बना होता है, लेकिन हमारा काम कराने के लिए काफ़ी, गाड़ी में फिट करने के बाद इसमें बिल्कुल भी कट नहीं दिखाई देंगे। तो चलो मैं आपको फटाक से इसकी फिटिंग करके और एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ कि ये लगने के बाद कैसा दिखने वाला है। तो इसको फिटिंग करने के लिए हमें पहले इसके नीचे पोलराइजर, फिर जो कांच की डिस्प्ले है वो, और फिर ऊपर एक और पोलराइजर। उसके बाद जो है इसकी जो डिस्प्ले है वो कुछ इस तरह से दिखने लगेगी, जो कि हमारा फाइनल लुक होगा। और इसको फिट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी में ये कैसा लग रहा है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको लगाने के लिए हमें और क्या क्या करना पड़ेगा। फाइनली इसको फिट करने के लिए जो हमारा सीक्वेंस था उसमें पोलराइजर डिस्प्ले को इंस्टॉल करने के बाद ये जो ब्लैक कलर का इसका कवर है इसको लगा के प्लायर की हेल्प से पीछे से इसको मोड़ देना पड़ेगा, ताकि ये डिस्प्ले पर एक कॉन्स्टेंट प्रेशर बना रहे और जो हमें आगे जो डिस्प्ले के नंबर्स वगैरह हैं अल्फ़ाबेट्स वो अच्छे से क्लियरली दिखाई दें, और जब गाड़ी चलाएं तो काम करते करते रात की कितनी बज गई, 2:50 ही नहीं, लगभग 3 ही बज गए। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, देख रहे हो कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो गाइस ये रहा फाइनल रिजल्ट। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं जो मीटर है वो काफ़ी अच्छी तरह से दिख रहा है, थोड़ा लाइट ज़्यादा होने से फोकस नहीं कर पा रहा है कैमरा उस पर, ये रात का टाइम है। ये देखो ये मैंने फोकस किया है सिर्फ उस LED पे ही अब, और ये बार बार फोकस आउट हो रहा है कैमरे का, इसलिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन बाकी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है रात को। अगर गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देना।